ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 न्यू नोटिफिकेशंस निकाली गई है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड हमीरपुर के द्वारा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्विक सर विजन यहाँ पे करवा देता हूँ। यदि आप इस टेबल को देखेंगे तो ये नया नवीनतम शेड्यूल जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। इसी शेड्यूल के मुताबिक आपकी परीक्षाएं होने जा रही है, ठीक है जी। तो इन्हीं से संबंधित बहुत सी ऐसी नवीन जानकारियां होती है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आजकल जो सबसे बड़ा इशू चला हुआ है कि आपको अपना मैट्रिक और प्लस टू का सर्टिफिकेट जमा करवाना है यदि आप नॉन हिमाचली है, तो ये सारी की सारी जानकारियां समय समय पर हमारी टीम आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रही है। आज की इस कड़ी में 10 बड़ी ऐसी वैकेंसीज है जिनके बारे में विभिन्न तरह के नोटिस जारी किए गए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए, इसी में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपकी परीक्षा होने जा रही है 18/10/2020 को, क्लर्क की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए अभी भी आपके पास समय है, हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है एक ऐसी किताब जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस कवरेज मिलता है, साथ में पिछले 10 वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व भी किया गया है। कुल मिला के 500+ का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इस किताब में डाले गए हैं, जिससे आप किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही आसानी से, यदि आपके पास 5000 का नेशनल लेवल जीके का क्वेश्चन बैंक होगा तो ये ऐसा नहीं है कि की परीक्षा में ही आपको सहायता करता है, अन्य कंपिटेटिव एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा। तो आप इस किताब के साथ अपनी तैयारी कीजिएगा। कुछ हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा बुक शॉप्स के पास ये किताब उपलब्ध है, आप इसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपने घर बैठे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से मंगवा सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 26/9/2020 को ये नोटिस निकाला गया है। रिस्टोर पोस्ट कोड है 858। देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस का इशू था, इसके बारे में ये अवेंड करके यहाँ पे कहा गया है, शुड हैव पास्ट मैट्रिक लेसन विद सेकंड डिवीजन और 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड। तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है बीच में भी रीड एज, इसको आपने क्या पढ़ना है, शुड हैव पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ बोर्ड। मतलब जो ये परसेंटेज का फंडा था यहाँ पे, इसको यहाँ पे हटा दिया गया, प्लस टू पास होने चाहिए जी, ठीक है जी। अगली बात करेंगे पोस्ट कोड 747 के बारे में, जो कि स्टाफ नर्स से संबंधित है। इसमें देखिए, इसमें भी ये नोटिस निकाला गया है कि आपने प्लस टू प्रेफरली विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और क्वालिफाइड ए नर्स डिप्लोमा इन GNM और BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। बाकी आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने और भी इन्फॉर्मेशन दी है। और जो एज की बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, 1/1/2019 के बीच में आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और आपकी अधिकतम आयु 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए जो कट यहां पे डेट का कट है 1/1/2019 रहेगा। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए। देखिए, जिन कैंडिडेट्स के ये नाम है, यहाँ पर पोस्ट कोड 777 इसका पोस्ट कोड है, तो आपने क्या करना है यदि आप नॉन हिमाचली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इनके नाम भी मैंशन किए गए हैं, ठीक है जी। 30 कैंडिडेट्स अपने नाम यहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप सबने क्या करना है, अपना मैट्रिक और अपना प्लस टू का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको ईमेल करना है SSB-HP@NIC.in पर, ठीक है जी। या आपके पास हिमाचली बोनोफाइड है, ये भी आपने करना है, तभी आगे की प्रक्रिया के लिए जो आपका कैंडिडेचर है उसे कंसीडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप बता दें, आप इन सारी के सारी हिमाचल प्रदेश के जितने भी नोटिफिकेशन निकली है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए elitestudyco.in पे, वहाँ पर हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, 14% का डिस्काउंट उस किताब पर चल रहा है। उस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, आपको डेफिनेटली वहाँ पर सहायता मिलेगी। अगली इसकी बात करेंगे हम, वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोग्रामर की, पोस्ट कोड 781 के लिए। यहाँ पर भी CM नोटिफिकेशन में इसमें कहा गया है, CM नोटिस है कि आपने अपना मैट्रिक और प्लस टू का सर्टिफिकेट SSB-HP@NIC.in पर भेजना है। ये कैंडिडेट्स के नाम है, यहाँ पे 13 कैंडिडेट्स है, आप भेज दीजिएगा, जल्दी से डिले मत कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप हिमाचली बोनोफाइड है तो वो भी आपने भेजना है। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग असिस्टेंट, पोस्ट कोड 808, इसके लिए भी मैट्रिक और प्लस टू का सर्टिफिकेट आपने भेजना है। यहाँ पे देखिए, 5 कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है।
उसके बाद बात करेंगे शास्त्री पोस्ट कोड 813 के लिए, तो यहाँ पे भी देखिए तीन कैंडिडेट्स है, ठीक है जी। तो इनका यहाँ पे उन्हें भी क्या करना है, इन्हें भी विद इन 7 डेज 7 दिनों के अंदर अंदर अपना मैट्रिक प्लस टू का सर्टिफिकेट भेजना है, या इन्होंने इनके पास हिमाचली बोनोफाइड है उसे भी ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा है, देख लीजिए, विद इन 7 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस फेलिंग विच देयर कैंडिडेटचर्स सेल स्टैंड कैंसल्स। देखिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा डिले से ला रहे हैं, हो सकता है 1-2 दिन हो गए होंगे, तो आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की, उसे भी विजिट कर लीजिएगा। वहां पे एडवर्टाइजमेंट नोटिस नाम से इनका एक नोटिस आता है, ठीक है जी, तो उसको वहां से देख लीजिएगा कब इन्होंने पब्लिश किया, टाइम कहीं होने वाला ना हो तो आप जल्दी से लापरवाही ना करें, जल्दी से अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर भेज दीजिएगा। उसके बाद आगे है देखिए क्लर्क पोस्ट कोड 803 के लिए भी देखिए यहाँ पे दो कैंडिडेट्स है, बिपिन और प्रिंस, इनको भी अपना मैट्रिक और प्लस टू का सर्टिफिकेट देना है, यदि इनके पास हिमाचली बोनोफाइड है तो उसे भी ईमेल कर सकते हैं। और इनके लिए यहाँ पे 3 डेज का ही टाइम दिया गया है, क्योंकि ये परीक्षा आपके 18-10 को होने वाली है, किताब हमारी रेडी है, परीक्षा के अंतिम क्षणों में भी आप उस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 755 इसका पोस्ट कोड है, यहाँ पे भी कैंडिडेट्स के लिए सेम इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट कोड 753 के लिए, यहाँ पे भी देखिए क्वालिफिकेशंस के बारे में कहा गया है, थोड़ा सा इसमें आप लोग खुद इसको स्टडी कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा और आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा क्या क्या इसमें अमेंड किया गया है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 754, इसके लिए भी देखिए यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशंस में थोड़ा सा अमेंड किया गया है, इसे भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज स्टोर कीपर 756 के लिए, यहाँ पे भी देखिए इनका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज का जो कट ऑफ यहाँ पे लगाया गया 1/1/2019 ही लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये सारी जानकारी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और अब आपको मैं कैसी किताब से परिचित करवा दूँ जो कि हिमाचल प्रदेश की किसी भी छोटी बड़ी नौकरी के लिए आपकी डेफिनेटली सहायता करेगी। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस एक ही किताब में आपको संपूर्ण हिमाचल का सिलेबस कवरेज मिलता है, वो भी संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में। एक किताब के अंदर ही आपको 10,000+ का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, जो कि आई थिंक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आज की डेट में पैटर्न है उसके लिए सफिशिएंट माना जा सकता है। इसके अलावा आप हमारी टीजीटी आर्ट्स की किताब है, आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, संशोधित वर्जन है इसका, काफी मेहनत करने के बाद हमारी टीम ने इस किताब को लॉन्च किया है, तो आप 2014, 2016, 2018 और 2019 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए गए इस बुक में डाले गए हैं, और सिलेबस कवरेज आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, जनरल नॉलेज को कवर अप किया गया है। इन किताबों को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट elastudyco.in पे, फुली सिक्योर्ड वेबसाइट है। इस वेबसाइट के बाद आपको पेमेंट करनी होती है पेयू मनी जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ में, उसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर भेज दी जाती है, 3 से 5 दिनों में किताब आपके घर पहुंच जाती है। स्टूडेंट्स एचएस के लिए भी हमारी किताब है, जिसमें आपको विभिन्न तरह की जानकारी, इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज इसमें भी उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा आप हमारा इलास्टडी गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलास्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, निरंतर हमारी टीम आप लोगों के लिए इस एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध करवा रही है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।